सत्ताम सिंह मानक साहब, जो बात अभी प्रोफेसर संतोष भरद्वाज जी कह रहे थे, क्या पंजाब की स्थिति ऐसी है क्या मुफ्त में बिजली दी जा सके, मुफ्त में पानी दी जा सके, तमाम तरीके के जो वायदे किए गए हैं? और मैं इसमें इसलिए भी ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि आजकल चलन हो गया है, चुनाव के ठीक पहले आप सुनेंगे हम फ्री में कुकर देंगे, फ्री में साइकिल देंगे, फ्री में लैपटॉप देंगे, और उसी में आप जुड़ गया फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, ये सब कुछ फ्री में क्यों दिया जाए? और ऐसी हालत जबकि पंजाब की स्थिति इतनी खराब है, आपको अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा मानक साहब जी। मेरी आवाज सुनती है आपको? बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोलिए प्लीज। आशुतोष जी, बात यह है कि जैसे संतोष जी ने बताया हमें कि हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि किस क्षेत्र में हमने लोगों को, गरीब लोगों की मदद करनी है, उनको सब्सिडी देनी है। ये रैशनल ढंग से इस पर विचार करके ऐसा करना चाहिए। पंजाब में जो हुआ है वो वोट राजनीति के हिसाब से हुआ है कि लोगों को मुफ्त बिजली पानी किसानों को दो और उनसे वोट लो, क्योंकि पंजाब में डोमिनेट करते थे किसान। वो जब ये शुरू किया गया 1997 में प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने किया, जो उस समय जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी, उन्होंने मुझे भी बुलाया था, जहां उनका जलंधर में ऑफिस था, और दो तीन दिन मुझे भी बुलाते रहे, हमारे से भी वो बात करते रहे, अपना मैनिफेस्टो बना रहे थे। जब उन्होंने ये प्रपोजल लेकर आए वहां कमेटी में, तो मैंने उनको बोला था कि ये बिजली पानी मुफ्त किसानों की डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, आज के दिन में उनकी मांग नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें बिजली रेगुलर मिले, वाजिब रेट पर मिले, उनकी डिमांड ये है, वो बिजली पानी मुफ्त नहीं चाहते हैं, किसान की किसी की डिमांड नहीं है। तो मैंने बड़े फोर्सफुल ढंग से उनको बताया कि ये एक ऐसा खाता खुल जाएगा, जे आने वाले समय में जे आपकी सब्सिडी बढ़ती रहेगी, आप इसको बंद नहीं करो कर सकोगे, जे आओ किसानों की डिमांड बन जाएगी। और जैसे जैसे पानी जमीन से गहरा जाएगा, जो सिंपल ट्यूबवेल है उसकी जगह पर सबमर्सिबल आ जाएंगे, तो वो उसका बिजली का बिल भी बढ़ता रहेगा। पर वहां पर अकाली दल की ओर से सुरजीत सिंह बरनाला जी बैठे थे, उन्होंने बोला कि आपने किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव तो हमने लड़ना है, हमने की करना है हम देखेंगे। तो जैसे हमें बुलाया भी और हमारी बात भी नहीं मानी उन्होंने, एक इम्पोर्टेंट ये बात हमारी उन्होंने मानी नहीं। मैंने कहा कि अगर जे आपने ऐसा ही करना है तो जैसे आपको ठीक लगता है करो। उसके बाद ये अजिहा सिलसिला शुरू हो गया पंजाब में, इसको कोई आज जब बंद करने का सोच नहीं सकता, एक बहुत बड़ा खाता खुल गया है, अब वो जे सब्सिडी या जो और बढ़ती जा रही है। एक हमें चाहिए था हेल्थ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करते, बाकी जो गरीब लोग हैं जो उनको सोशल सिक्योरिटीज तो देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी सेहत सहूलतें देनी चाहिए, हमारे हॉस्पिटल, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बेहतर होनी चाहिए, जो गरीब बहुत ज़्यादा लोग हैं उनको कुछ जड़ियाँ सोशल सिक्योरिटीज भी मिलनी चाहिए। ये तो बात सही है, क्योंकि आज संतोष जी ने भी बताया कि 10 लाख करोड़ तो मोदी जी की सरकार जब से वो पावर में आया, 10 लाख करोड़ तो उनका कॉरपोरेट्स का वो कर्जा जो उनको ख़त्म कर चुके हैं, और भी क्षेत्रों में कॉरपोरेट टैक्स भी वो कम किया जा रहा है। अगर आप गरीब लोगों को जो कुछ मिलता है उसको आप रेवड़ी बांटना कहेंगे, तो फिर इसी भाषा में जो मोदी साहब जो कर रहे हैं, जो कॉरपोरेट्स को रियायत दी जा रही है, हम तो उसको पेड़ा बांटना कहेंगे। जब कॉरपोरेट्स को वो पेड़े बांट रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको रेडी जो बांटी जा रही है उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो इसको रैशनल करना पड़ेगा, गरीब लोगों को मदद भी मिले। तो जैसे संतोष जी ने बोला है कि अगर स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया है, जैसे पंजाब के ऊपर चढ़ गया, तो इन लोगों को सोचना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।